कुणाल जी क्या कहना चाहेंगे शहंशाह के बारे में, और प्रमोशन की तैयारी चल रही है, फिल्म लग के बन के कम्प्लीट है, 5 तारीख को रिलीज हो रही है, क्या कहना चाहेंगे और प्रमोशन को लेके क्या क्या तैयारी चल रही है, कहाँ कहाँ जाने वाले प्रमोशन के लिए? जी देखिए, फिल्म के बारे में क्या कहूँ, इसका टाइटल ही बता देगा कि जो जिसका नाम ही शहंशाह हो, वाकई में शहंशाह फिल्म है। और बहुत जिगर वाले हमारे प्रोड्यूसर विवेक जी बगल में बैठे हैं, और साथ में इनके सह निर्माता रोहित जी, इन लोगों ने भी बड़ी मेहनत की है, सिर्फ प्रमोशन और रिलीज़ के समय ही नहीं, जब से ये फिल्म बननी शुरू हुई है तब से इन लोगों ने काफ़ी मेहनत किया। ऐसे ऐसे लोकेशंस जो बहुत कम फिल्मों में दिखाई देते हैं, या कहानी के मुताबिक कौन सी जगह होनी चाहिए, वो इन लोगों ने मेहनत करके ढूंढा, जो कि फिल्म को नया रूप देगा। और बाकी इस फिल्म के जान हम लोग के सबसे चहेते रवि किशन जी हैं नायक, अंजना खूबसूरत बड़ी मेहनती लड़की इस फिल्म की नायिका है, मैंने भी एक किरदार निभाया है, और बहुत सारे मजबूत कलाकार इस फिल्मों के एक ज़बरदस्त पिलर हैं। फिल्म बहुत अच्छी बनी है, पूरे परिवार के साथ देखने लायक फिल्म है, और उससे बड़ी बात यह है कि सामाजिक बुराइयों को इसमें एड्रेस किया गया, कि कैसे एक नायक समाज की बुराइयां जो आज हमारे समाज में फैला है कैसे एक एक करके तोड़ता है, ये इस फिल्म की खासियत होगी। और रही बात रिलीज़ की, तो जैसे फिल्म बनी है धमाकेदार, अच्छी प्रदर्शन भी उतनी ही मजबूती से हम लोग करेंगे, दर्शकों के बीच में जाएंगे, अपनी बात उनसे कहेंगे कि आप फिल्म क्यों देखें, आखिर दर्शकों को ये बताना पड़ेगा, तो हमारी फिल्म में ये खासियत है इसलिए देखिए, आम फिल्मों की तरह नहीं है। और मैं बहुत उम्मीद करता हूँ कि भोजपुरिया दर्शक इस फिल्म को सराहेंगे। प्रमोशन के लिए क्या क्या आपका रोड मैप तैयार हुआ है कुणाल जी, कहाँ कहाँ जाने वाले हैं प्रमोशन के लिए खास करके? प्रमोशन की जहाँ तक बात है, तो हमारे निर्माता विवेक जी बगल में बैठे हैं, ये ज़्यादा सही बता पाएंगे, क्योंकि जो भी रोड मैप तैयार होता है निर्माता और पीआरओ की तरफ से, हम लोग उसको सिर्फ फॉलो करते हैं जी, और दर्शकों के बीच जाके अपनी फिल्मों की जो खासियत है वो बताते हैं, तो विवेक जी बेहतर बता पाएंगे। जी विवेक जी क्या कहना चाहेंगे, ओवरऑल पूरे फिल्म की बात करें, शहंशाह की बात करें और शहंशाह के प्रमोशन की बात करें, तो किस प्रकार का रोड मैप तैयार है और कहाँ कहाँ प्रमोशन के लिए जाने वाले? जी विवेक जी, प्रमोशन के लिए हमारी तैयारियाँ हो चुकी हैं ऑलरेडी, अभी तो फिलहाल तो मीडिया के थ्रू सारा प्रमोशन कर रहे हैं, और जितने भी वहाँ रेडियो चैनल्स हैं उनके थ्रू प्रमोशन चालू हो गया है पटना बिहार में। बाकी हमारा रोड मैप तैयार हुआ है, सारी हमारी टीम जो है वहाँ पर तैनात हो गई है, सारे लोग वहाँ पहुँच चुके हैं, और मैं और बाकी के जो कलाकार हैं सारे, जो भी हमारे सारे खास कलाकार हैं, वो सब वहाँ पर 3 से 4 तारीख को सारे लोग वहाँ पहुँच जाएंगे पटना, और फिर पटना से हमारा जितना भी लोकेशन है वहाँ पर, जहाँ भी थिएटर्स हैं, सीतामढ़ी, आपका गोपालगंज, सारे थिएटर्स के जहाँ जहाँ फिल्में लगने वाली हैं उन जगहों पर जा कर के हम पहले ही दिन से दर्शकों को मिलेंगे, फिल्म रिलीज़ होने के पहले ही दर्शकों को मिलेंगे, क्योंकि फिल्म रिलीज़ के टाइम में दर्शकों को थिएटर के बाहर मिल के कोई फ़ायदा नहीं, फिल्म रिलीज़ के टाइम में थिएटरों को दर्शकों के दर्शक जितने भी हमारे हैं उनको हम थिएटर्स के अंदर मिलेंगे, जब सिनेमा चालू रहेगा उस जगह पर, हर एक सिनेमा, हर बड़े बड़े सिनेमा जो भी हैं जितने भी जगह पे हैं वहाँ पे जा जा के दर्शकों को वहाँ मिला जाएगा, और पहले से ही उनको वहाँ मिल करके बाहर ये चीज़ों को हम लोग बात करेंगे क्यों हमारी फिल्म बनाई थी, तो इस तरीके से एक बड़ा खाका तैयार किया है अभी जिसके जरिए वहाँ जा करके, और आज की तारीख में हाईटेक यूज़ है, हर एक आदमी के हाथ में मोबाइल है, तो मोबाइल पे वो सारे सीक्वेंस, वो सारी चीज़ें हम पहले से लोगों को बता रहे हैं, अवगत करा रहे हैं कि भाई क्या है, वाई आर यू गो एंड सी द शहंशाह, तो शहंशाह जो है वो शहंशाह को क्यों देखा जाए, काहे देखा जाए, किस लिए देखा जाए, वो सारा प्रमोशन ऑलरेडी चालू हो चुका है मल्टी मीडिया के थ्रू। क्या अपील करना चाहेंगे जब 5 तारीख को फिल्म लगेगी दर्शकों से? जी दर्शकों से यही अपेक्षा है, दर्शकों से यही अपील है हमारी कि आपके बीच में मैं भी आया हूँ, बहुत समय से इस चीज़ों को कार्यान्वित करते करते आज इन चीज़ों को देख करके रेडी किया है, और आप सबका प्यार मुझे चाहिए, सदी के महानायक हैं कुणाल जी, कुणाल भैया के साथ बैठना है बड़ा सौभाग्य है, मैंने इनके साथ काम किया ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, रवि जी, रवि किशन जो ऑलरेडी शहंशाह हैं उनके साथ काम करके बहुत मज़ा आया, काम करना एक गौरवान्वित बात थी मेरे लिए, तो इन लोगों के साथ भी इतना सपोर्ट मिला है, इतना सारा कुछ मिला, जनता से भी वही चाहता हूँ कि जितना सपोर्ट मुझे मेरे स्टार कलाकार ने दिया, इन सभी के महानायकों ने दिया, बाकी हमारी टीम में अंजना है,
प्रियंका पंडित हैं, रविशेखर हैं जो अभी लॉन्च हो रहे हैं इस पिक्चर के, बहुत सारे लोग हैं जिनको जिन्होंने पूरा सहयोग दिया, अधीश मिश्रा जी हैं, राजन मोदी जी हैं, तो सारे लोगों का बहुत सहयोग रहा इस फिल्म को बनाने के लिए। और अब दर्शकों से ये कि इस फिल्म को हमने बहुत मेहनत और बहुत मशक्कत से बनाया है, बहुत अच्छा बनाया है, आप सबका प्यार मिले, आप सबका आशीर्वाद मिले और ये फिल्म धूम मचा दीजिए। रवि जी का जो इतने साल के बाद में अभी ये पिक्चर काफ़ी टाइम के बाद में आ रही है, जो रवि जी का एक टीम बना हुआ है कि रवि जी स्टार लगा रहे हैं और एक्शन में माहिर हैं, तो वो एक्शन वो इमोशन सारे कुछ फिल्मों में आपको देखने को मिलेगा। कुणाल जी, कितनी आशाएं हैं, कितनी अपेक्षाएं हैं इस फिल्म से, शहनशाह से, क्या कहना चाहेंगे जी? हम लोग की हालत तो उस बाप की तरह है जिसका औलाद पैदा होता है तो उम्मीद करता है कि वो बहुत बड़ा अफसर या बहुत बड़ा इंसान बने। हम लोगों ने मेहनत की है, पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत किया है, अच्छी कहानी का चुनाव विवेक जी ने किया है, फिल्म के लिए जितनी आवश्यकताएँ हैं जहाँ सही खर्च होना चाहिए उन सारे चीज़ों पे हमारे निर्माता विवेक जी और रोहित जी ने दिल खोल के खर्च किया है, तो नेचुरली प्रोडक्ट बहुत अच्छा बनेगा। और मैं दर्शकों से उम्मीद करता हूँ कि हमारी इस मेहनत को वो सराहेंगे, अच्छी फिल्म को सराहेंगे, क्योंकि हम भोजपुरिया दर्शकों के बीच अच्छी फिल्में लेके आना चाहते हैं। विवेक जी, यही सवाल आपसे भी मेरा रहेगा, कितनी आशाएँ हैं, कितनी अपेक्षाएँ हैं इस फिल्म से, क्या कहना चाहेंगे जी? जैसे कुणाल भैया ने कहा कि ये हमारे लिए अपने बच्चे के जैसा है, तो हमने भी बहुत मेहनत करके इसको पाला पोसा है, बहुत मेहनत करके इसको आज तैयार किया और तैयार करने के बाद में एक अच्छी फिल्म दर्शकों के बीच में लेके जा रहे हैं। दर्शकों की ये फैमिली फिल्म है, पूरी फैमिली एक साथ बैठ करके देख सकती है, जहाँ पे भोजपुरी का एक ट्रेंड रहा है कि नहीं पब्लिक होती कि नहीं, हमें बाहर से देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए, लेकिन मैं बोलता हूँ कि ये फिल्म पारिवारिक फिल्म है, दर्शकों को पूरी फैमिली के साथ बैठ करके फिल्म देखनी चाहिए, बहुत साफ सुथरी बनाई है, तो उसके हिसाब से हमारी अपेक्षा है कि पूरी फैमिली आएगी इस फिल्म को देखेगी, दर्शक बहुत सराहेंगे इस फिल्म को और फिल्म को बहुत कामयाबी मिलेगी। विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ओवरऑल फिल्म बन के कम्प्लीट है और सिनेमा घर में लगने के लिए तैयार है, 5 तारीख को लगने वाली है। प्रमोशन की बात करें, आपके किरदार की बात करें, क्या कहना चाहेंगे जी राजन? सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों का चरण वंदन और नम निवेदन और आग्रह करूँगा कि आप फिल्म देख रहे हैं। 5 तारीख को रिलीज हो रही है, बहुत ही बेहतरीन फिल्म है, हम लोगों ने जी तोड़ मेहनत की है, अपना खून पसीना बहा के सिर्फ आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए, और मैं ये वादा करता हूँ हमारी पूरी टीम की तरफ से कि आप जब फिल्म आएंगे आपको रियल में लगेगा कि हाँ हमें मज़ा आ रहा है। जो आज की भाग दौड़ जिंदगी है उससे कुछ समय अगर आपको एंटरटेन किया जाए तो वो एंटरटेन आपको शहनशाह से मिलेगा। शहनशाह की बात करें तो फिल्म का या भोजपुरी इंडस्ट्री का शहनशाह कौन है, राजन या रवि किशन? रवि किशन, ऑब्वियसली रवि किशन। मैं इस फिल्म में एक पात्र निभा रहा हूँ जो कि नेगेटिव शेड लिए हुए हैं, उसके अपने कई आयाम हैं, कई तरह के उसमें फिल्म में सस्पेंस क्रिएट किए गए हैं डायरेक्टर जो आपको फिल्म देखते हुए क्लाइमैक्स में पता चलेगा। तो हम सभी लोगों ने परिवार की तरह फिल्म बनाई है, मेहनत की है, हम चाहते हैं कि दर्शकों का मनोरंजन कर सकें, आप लोग थिएटर में आएंगे, फिल्म देखेंगे, हमारा मनोबल और बढ़ेगा और आगे से हम और मेहनत करने के लिए अग्रसर होंगे। राजा जी, प्रमोशन की बात करें तो क्या रोड मैप तैयार हुआ है आपके तरफ से और कहां कहां जाने वाले हैं प्रमोशन के लिए जी? जी, प्रमोशन के लिए अभी तो हमें जहां तक मालूम है कि बिहार झारखंड के लिए तैयारी की गई है 3 तारीख से, क्योंकि 5 तारीख को फिल्म रिलीज़ है, 3 तारीख को हम लोग जाएंगे और जहाँ जहाँ थिएटर में फिल्म लगेगी हम दर्शकों से डायरेक्ट इंटरेक्शन करेंगे और उनके सवाल जवाब या कुछ भी वो हमसे पूछना चाहे, अच्छा बुरा जो भी बताना चाहे, और रवि जी होंगे, अर्जुना जी होंगे, हम होंगे, हमारे प्रोड्यूसर विवेक जी होंगे, आनंद जी होंगे, सभी कुणाल जी होंगे, काफ़ी एक्टर्स हम लोग जा रहे हैं, पूरी टीम जा रही है आप लोगों के बीच में आने के लिए। जी राजन जी, आखिरी सवाल चलते चलते, कितनी आशाएं हैं, कितनी अपेक्षाएं हैं इस फिल्म से, शहनशाह से जी? आशाएं तो बहुत है जी, अभी मुझे बोलते हुए थोड़ा सा संकोच भी नहीं हो रहा है और आपको पता नहीं कैसा फील होगा, लेकिन मन करता है कि फिल्म सुपर डुपर हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी परफॉर्मेंस देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में हम आए ताकि अगली बार और मज़े से लोग आए और इसके सीक्वल बनते जाए, शहनशाह इस कदर आप पसंद करेंगे इसके सीक्वल आते जाए आने वाले साल। राजन जी की बात करें तो अवधेश मिश्रा और संजय पांडे से कितना सीधा मुकाबला कितना है आपका और नंबर 1 विलन कौन है भोजपुरी का? देखिए, मैं जहाँ तक
ये नंबर गेम्स में तो सर मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही सेलेक्टेड फिल्में करता हूँ। मैं तेलुगु भी फिल्म कर रहा हूँ, मैं हिंदी भी कर रहा हूँ, गुजराती भी कर रहा हूँ, सभी लैंग्वेजेज में। एक रशियन फिल्म अभी मैंने देखी है। और अवधेश भी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, संजय बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत उमदा कलाकार हैं। मैं भी थिएटर से हूँ, तो पता नहीं क्यों नंबर गेम्स में मैं कभी नहीं जाता। मैंने अवधेश मिश्रा के साथ 2-3 फिल्मों में काम किया है, मेरे भाई के जैसे रिलेशन है। संजय पांडे के साथ अभी तक मेरी कोई फिल्म आई नहीं, लेकिन इन लोगों के साथ काम करके मुझे बड़ा सुकून मिलता है। एज एन एक्टर, मेरे अंदर के एक्टर को एक सुकून मिलता है। और मैं चाहता हूँ कि अच्छी अच्छी फिल्मों में हमारा आमना सामना होता रहे, क्योंकि हम एक ही पद पे हैं। वो भी नेगेटिव करते हैं, मैं भी नेगेटिव करता हूँ। और मेरी शुभकामनाएं उनके लिए हैं, उनकी शुभकामनाएं मेरे लिए है कि अच्छा काम करें, दर्शकों का मन जीते। तो मुझे मज़ा आता है। मैं कंपटीशन में उस तरह से बिलीव नहीं करता, नंबर वन नंबर टू कोई भी हो सकता है, लेकिन जब अच्छा रोल आएगा, अच्छी अच्छी स्क्रिप्ट आएगी, तो मैं उसमें काम करूँगा। विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।